जीविका ऑफिस से पता चला है कि मुसहरी गांव में 11 समूह के एक ग्राम संगठन है। वहां की दीदी श्री विधि से बैगन की नर्सरी 3 सालों से करती आ रही है। आज मैं बैगन के नर्सरी के बारे में सीखूंगा, जानकारी लूंगा। प्रणाम दीदी। प्रणाम भाई, अपना परिचय दीजिए भैया। मेरा नाम धर्मवीर कुमार, गांव नेहुसा बीघा, पोस्ट नेहुसा, थाना हरनौ, जिला नालंदा। जीविका ऑफिस से हम आए हैं इसलिए कि हमको जीविका ऑफिस से पता चला कि टमाटर यहाँ मैंने बैगन के नर्सरी होने वाला है, तो वही सीखने के लिए हम। अच्छा दीदी, हम तो अपना परिचय दे लिए तोरा, अब तू हमारा अपन परिचय दे दो। अनिता देवी नाम, मुसहरी गांव, सरस्वती समूह के कोषा अध्यक्ष हूँ, कल्पना जीविका ग्राम संगठन के अध्यक्ष हूँ, हरनौत प्रखंड, जिला नालंदा। दीदी, बैगन के नर्सरी करे लगी हमरो सिखाइएगा। जरूर सिखाएंगे भैया, चलिए हम आज ही बेड पर बैगन के नर्सरी करने वाले हैं, चलिए देख ले। आज ही बैगन के नर्सरी करने वाले हैं? हाँ। तो आज बहुत अच्छे मौका से दीदी हम भी आ गए हैं, तो हम भी आज सीख लेंगे आप। चलिए सीख लेंगे, चलिए भैया सब संवार दे दिखाते हैं। चलिए दीदी, चलिए। बैगन के नर्सरी लगाने के लिए भैया यही सब सामान है। यही सब सामान है दीदी? हाँ भैया। दीदी ये क्या चीज है? ये जैविक खाद है। जैविक खाद है? हाँ, एरा से पौधा को ताकत आता है। इससे पौधा ताकतवर होता है? हाँ। यही दीदी? कुदार है। कुदार है ये? हाँ। इससे क्या करते हैं? इसको से बेड बनाते हैं आप? इसको से बेड बनाते हैं? हाँ। ये किस लिए लाए हैं? पानी है, बाल्टा लोटा। पानी है बाल्टी में, लोटा है? हाँ। इसको से क्या कीजिएगा? पनिया के? पनिया के उसके ऊपर निवारी बिछा कर छिड़ता है। निवारी बिछा कर उस पर पानी छिड़कते हैं? हाँ। ये दीदी ये क्या है? पेराडाउन है। पेराडाउन है? हाँ। इसको किस लिए देते हैं दीदी? उसी में जब मिला कर छिड़ता है। और ये क्या चीज़ है दीदी? ऐसा बैगन नर्सरी को बीज है। ये बीज है इसमें? हाँ। ठीक है, इसमें बीज है। तो दीदी आई नेवारी कहाँ लगी? नेवारी उसको पर बिछाने के लिए है। वो बेडवा पर नेवारी बिछा देते हैं? हाँ। आई डंटा एगो रख ले हैं दीदी? डंटा बराबर करने के लिए है। ये डंटा बराबर करने के लिए रखते हैं? हाँ। ओए, मतलब तो बहुत बढ़िया सामान ढेरे आप जुड़ी आई ले हैं दीदी, तो बहुत सा सामान लगता है नर्सरी लगाने में। चलिए भैया बेड पर नर्सरी गिराने के लिए। नर्सरी गिराने के लिए चल रहे हैं दीदी? चलिए ठीक है, तो कुछ सामान हम ले चलते हैं दीदी। ले चलिए। चलिए देखिए भैया बेड तैयार है, हम जैविक खाद छीट रहे हैं। जैविक खाद इसमें डाल रहे हैं दीदी? हाँ। लाइए तो हम भी मदद कर देते हैं। इसमें जैविक खाद मतलब कि देने के बाद इसको फिर से आप अथी कीजिएगा दीदी, पूरे में एकदम जैविक खाद खूब देते हैं ना? हाँ। ये क्या चीज़ है दीदी? ये भी है कीटनाशक है। कीटनाशक छीट रहे हैं इसमें? हाँ भैया, कीटनाशक है। इससे क्या होता है? इससे कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है। इससे कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है? दीदी कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है इससे, तो ये कीटनाशक है ना? हाँ। और ये जो पन्नी आप पहरे हुए हैं हाथ में, हाँ, ये किस लिए पहरे हुए हैं? जहर है, इसलिए हाथ में पंजा लगा के मतलब छिटने पड़ता है। ये जहर है दवाई? हाँ। तो इससे मतलब कि नुकसान के वजह से ऐसा मैंने पन्नी लगा करके छिट रहे हैं? हाँ। ऐसे छिटने से क्या होगा दीदी? ऐसे छिटने से जहर है हाथ पर अथी होगा यार, हाथ पर मैंने हर्जा हो जाएगा। तब देखिए भैया एक एक बीज करके गिराना है। उसमें एक एक बीज करके डालते हैं दीदी?
हाँ, एक का किंची पर एक का किंची पर एक एक बीज देते हैं। देते हैं। हाँ लाइए दीदी, हम ही मदद कर देते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बेड आप बनाते हैं दीदी, बहुत बढ़िया नर्सरी आप लगाते हैं। तो अच्छा कैसे होएगा? इससे बहुत अच्छा होता है ना दीदी। हाँ भैया, अच्छा होता। देखिए भैया, देसी बीज को शोधा जाता है, हाइब्रिड के बीज को नहीं शोधा जाता है। देसी बीज के शोधा जाता है और हाइब्रिड के बीज के नहीं शोधा जाता नहीं शोधा जाता है। काहे नहीं शोधा जाता है दीदी? कंपनी से शोध के आता है। कंपनी से शोध करके आता है। हाँ ए दीदी, बीज तो बिछा दिए। हाँ भैया, बिछा दी। अब इसको क्या कीजिएगा? अब इसको डंटा से झांकने पड़ेगा। अब इसको डंटा से झांकिएगा। हाँ ठीक है, लाइए दीदी, मदद कर देते हैं। इसको मतलब डंटा से ढक देता है ना दीदी? हाँ भैया, झांक देते हैं। डंटा से ये ढक रहे हैं, इसको किस लिए ढक रहे हैं दीदी? बीज को झांकने के लिए झांक रहे हैं। इसको मैंने बीज झांकने के लिए इसको डंटा से ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ देखिए भैया, बीज तो झांका गया, अब नेवारी से झांक रहे हैं। अब इसको नेवारी से ढक देते हैं दीदी? हाँ भैया, नेवारी से झांकते हैं। ठीक है दीदी, हम भी लाइए मदद कर देते हैं। अब इसमें क्या कीजिएगा दीदी? नवाज तो भी ढका गया, पानी छिटने पड़ेगा। इसमें अब पानी डालिएगा? हाँ। तो पानी अभी तुरंत डालिएगा इसमें? हाँ तुरंत डालेंगे। देखिए भैया, ज़्यादा गढ़ा नवारी से नहीं झाँकना, तो बीज झाँक जाता है। ज़्यादा गढ़ा नवारी से इसको मैंने नहीं ढकना है? नहीं, बीज चप जाता है उससे। इससे बीजवा चप जाता है दीदी? हाँ भैया। तो चपने से क्या हो जाएगा? अपने से कैसे चपके जाएगा, तो पूरा जलमेगा, खराब हो जाएगा। हाँ मैंने बीज चप जाने से खराब हो जाएगा नेवारी से, है ना? हाँ ठीक है, लाइए मदद कर देते हैं। अच्छा दीदी, अब तो इसमें नेवारी बीज करके अब पानी भी डला गया इस पर। हाँ तो इन नेवारी के कितना दिन तक रखिएगा इस पर? 3-4 दिन रखेंगे, 3-4 दिन के बाद हटाने पड़ेगा। 3-4 दिन के बाद कब हटाइएगा? 3-4 दिन के बाद हटावे पड़ेगा, नहीं तो नहीं तो बीज खराब हो जाएगा। ओ माने 3-4 दिन के बाद इसमें अंकुर आ जाएगा दीदी? हाँ अंकुर आ जाएगा। अच्छा, 3-4 दिन के बाद अंकुर आ जाएगा इसमें? हाँ। तो नेवारी के हटा दीजिएगा? हाँ। अगर नहीं हटाइएगा नेवारी 3-4 दिन तक, तब तो क्या पूरे नर्सरी खराब हो जाएगा? पूरे नर्सरी खराब हो जाएगा। हाँ। वो तो मैंने 3-4 दिन में मतलब इसको नेवारी के हटा दीजिए? हटा दें। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा आप बेड लगाए दीदी, बहुत बढ़िया आई तो नर्सरी आप जानती हैं, हमको भी सिखा दिए। अच्छा दीदी, अब बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हमको आप बैंगन के नर्सरी बेड लगाने के लिए सिखा दिए। हाँ भैया, सिखा दिए। तो क्या दीदी, आप कुछ धन्यवाद संदेशों दीजिएगा? संदेश तो यही देते हैं कि नर्सरी को जो बैंगन को बीज गिराए हैं वही आपको देंगे। वो तो मैंने हम भी दीदी संदेश यही ले जाएंगे। हाँ। अपने गाँव में। हाँ। कि जितने भी मैंने जीविका समूह के दीदी हैं, सब इसी दीदी के तरह नर्सरी बेड लगाएं। हाँ। और मतलब कि सब दीदी खेती करें, अच्छे फायदे कमाएं। फायदे कमाएं। श्री बीदी बैगन रोपली अयो रामा, श्री बीदी बैगन, श्री बीदी बैगन रोपली अयो रामा, श्री बीदी बैगन बीजवा के कलिए उपचारवा ये रामा, श्री बीदी बैगन बीजवा के कलिए उपचारवा ये रामा, श्री बीदी बैगन भादों में कलिए नारा सारी तैयारिया ये रामा, श्री बीदी बैगन भादों में कलिए नारा सारी तैयारिया ये रामा, श्री बीदी बैगन कातिक में झूले लगले बैगन ये रामा, श्री बीदी बैगन कातिक में झूले लगले बैगन ये रामा, श्री बीदी बैगन घर खेतवा पर हुलसै रामा सवेरे किसनमा, खेतवा पर हुलसै रामा सवेरे
किसान माँ के घरवा में हुलसे माला के नियाए रामा सेरे बेदे बाईग अने घरवा में हुलसे माला के नियाए रामा सेरे बेदे गान बाई गन बेचिए बेची बेटी के पढ़ावली बाई गन बेचिए बेची बेटी के पढ़ावली की बेटी के बनाए भैया बाड़ी मेरे रामा सेरे बेदे बाई गन बेटी के बनाए भैया बाड़ी मेरे रामा सेरे बेदे बाई गन। धन्यवाद।